Hey guys, today I'm going to unboxing Sanyo LG TV. ये 32 इंच की है और आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ, यानी कि इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि अंदर से कैसी है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और ये कैसे होने वाली है। मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो चलिए गाइस इसे ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है हमारी LED टीवी। तो चलिए इसे थोड़ा सा हम रखते हैं साइड में और ये देखिए हमारी सानियो की LED टीवी है, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ, इसे ऑन करने जा रहा हूँ और मैंने इसे ऑन कर दिया है। देखते हैं इसके मतलब कैसे, यहाँ पे देखिए रेड लाइट जल चुकी है और देखते हैं क्या होने वाला है इसके अंदर। तो गाइस ये देखिए कुछ ऐसे इसका जो है ओपनिंग है और यहाँ पे आपको लिखा गया है AV1। तो गाइस इसका मतलब है कि आप इसे डिश से कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप डिश लगा लगाई हुई है या टाटा स्काई जो भी आपके पास है, सो नो सिग्नल दिखा रहा है, आपको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। सो गाइस कुछ जुगाड़ तो नहीं हो पाए, यहाँ पे डिश तो है नहीं। सो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इंटरनल पार्ट क्या क्या है, आपको इसमें क्या क्या मिलता है। तो गाइस इसके पीछे कुछ पोर्ट्स दिए हुए हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखिए आपको हम लोगों को 3 पोर्ट मिल जाते हैं यहाँ पे और एक HDMI केबल है और यहाँ पे एक हेडफोन का साइन बना हुआ है और साथ में वीडियो का है और यहाँ पे वॉल्यूम का है और यहाँ पे राइट का है। तो गाइस इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप ईयरफोन लगा सकते हैं चाहे, तो यहाँ पे आप वीडियो अगर चलाना चाहते तो आपको वीडियो इसमें लगाना पड़ेगा, तब जाके आपकी वीडियो चलेगी। और यहाँ पे जो है वॉल्यूम आप लगा, वॉल्यूम का जो ये पोर्ट है आपको वॉल्यूम वाली वायर इसमें डालनी पड़ेगी। और यहाँ पे गाइस यहाँ पे PC वाला HDMI केबल का साइन है, इसमें आपको जो साइन HDMI केबल आती है उसको आप इसमें जोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लैपटॉप से जोड़ेंगे तो वो लैपटॉप वाला काम इसमें करने लगेगा। तो गाइस कुछ और चीज़ें हैं, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे PC जो गाइस यहाँ पे PC से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, यानी कि PC ऑडियो वायर है, यहाँ पे USB लगता है और यहाँ पे ऑडियो ट्यून है वगैरह, यहाँ पे HDMI केबल 2 है गाइस, आप 2 HDMI केबल को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो HDMI केबल थी जो पीछे में थी, ये शायद आपके डिश में लगती है, डिश में यूज़ होती है, और लैपटॉप वाली जो कंप्यूटर वाली वायर वो यहाँ पे यूज़ होती है। तो गाइस कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पीछे में कोई बटन नहीं है जिससे कि आप इसे सेट कर सकते हैं, डायरेक्ट वायर वाला यहाँ पे सीन है लोगों का। तो गाइस यही बस इतना सही हम लोगों का अनबॉक्सिंग है आज, क्योंकि और इसमें कुछ बताने लायक बचा नहीं है, इतना था मैंने बता दिया है।